नगर थाना क्षेत्र की एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बदमाशों द्वारा 43,000 रुपए निकाल लिए गए। एसबीआई के ब्रांच अधिकारी विकास मिश्रा की शिकायत पर विजय नगर थाना पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है, जहां पर घटना 16 जून को शाम 8 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की और 43,000 रुपए निकाल लिए, और यह भी वारदात का वही तरीका था जो दूसरे एटीएम में अपनाया गया था। इंदौर में हरियाणा की मेवात गैंग का कहर पुलिस की नाक में दम कर दिया है। लगातार शहर के एटीएम को बना रहे निशाना, अब तक 7 अलग अलग जगह वारदात कर लाखों रुपए निकाल चुके हैं। एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाते हैं बदमाश। जी हां, ताजा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को अपना निशाना बनाते हुए मशीन में छेड़छाड़ कर 43,000 रुपए निकाल लिए हैं। जब बैंक में कैश का हिसाब मिलाया तो घटना का पता चला, जिस पर एसबीआई के ब्रांच अधिकारी विकास मिश्रा ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जहां शिकायत के बाद पुलिस ने एटीएम से सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अन्य बिंदुओं पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाश एटीएम में जाकर पैसा निकालने का तरीका, बदमाश एटीएम से पैसे निकालते हैं और ट्रांजेक्शन होने के बाद जैसे ही पैसे एटीएम से निकलने वाले होते थे, बदमाश पैसे निकालने वाली जगह पर हाथ लगाकर पैसे पकड़ लेते हैं और उन्हें एटीएम से निकलने नहीं देते। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता, जिसके बाद आरोपी रुपए निकाल लेते। बाइट्स लगाएं। गौरतलब है कि इससे पहले बदमाश ने शहर के राजेंद्र नगर, अन्नपूर्णा और सराफा थाना व जूनी इंदौर और संयुक्तागंज भवरकुआं के बाद विजयनगर इलाके में एटीएम को निशाना बनाया है। सूत्रों की माने तो सभी घटना है 15 जून से 18 जून के बीच की, और एक ही दिन में आरोपियों ने शहर के अब तक 7 अलग अलग थाना क्षेत्र में यह वारदात की है। पुलिस इन घटनाओं में हरियाणा की मेवात गैंग के होने का शक है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बदमाश शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। अब देखना यह होगा कि इंदौर पुलिस अब इन गैंग का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।